कई बार ये देखा गया है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, पहले मुझे पहचान गया होगा, मैं डॉक्टर शुक्ला प्रावी है जो कानपुर में, मैं एम्ब्रोलॉजिस्ट हूँ। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे IUI कराना है, स्पर्म प्रोसेस का कितना खर्चा आएगा। तो देखो दोस्तों, जब से ART गाइडलाइन आई है और हम हस्बैंड का सीमन यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि हस्बैंड अपना स्पर्म या सीमन सेंटर पर ही दे। अगर वो बाहर से लाता है तो हमेशा ये डाउट होता है कि वो अपना ही सीमन लाया है या कहीं और से लाया है। तो कई बार इस तरह की चीज़ें आती हैं डे टू डे प्रैक्टिस में, तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि वो अपना ही सीमन लाया हो। तो अगर वो सेंटर पर देता है तो ये डाउट क्लियर हो जाता है। अब स्पर्म प्रिपरेशन में खर्च कितना आता है? जनरली जो हम लोग मीडिया लगाते हैं इसमें यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह, 2 से 2500 रुपये के आसपास खर्च आता है इसमें। इतने में हम लोग प्योर स्पर्म्स को अलग कर सकते हैं। अब उसको प्रोसेस करके अगर हमको IUI करना है तो कुछ कुछ यहाँ पर टेक्निक हम लोग लगाते हैं, जिसमें हम लोग कभी कभी IUI में मीडिया हम लोग IVF का यूज़ कर सकते हैं, ताकि इनमें ज़्यादा रिच होते हैं न्यूट्रिशन में, इनमें खाना उनके लिए अच्छा होता है, ताकि वो ज़्यादा देर तक लंबे समय तक जीत जिंदा रहे। तो ऐसे स्पर्म अगर हम लोग IUI वगैरह में यूज़ करते हैं या IVF में या इसमें यूज़ करते हैं, तो उनकी वायबिलिटी, उनकी चंचलता या उनकी 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 जो परिपक्वता है वो सबसे अच्छी। तो जनरली स्पर्म फ्रीजिंग का जो खर्च है, स्पर्म प्रिपरेशन का जो खर्च है, वो 2500-3000 से ज़्यादा कर नहीं आता, ठीक है। लेकिन ये अकेला प्रोसेस नहीं होता है। अब ये स्पर्म को हमको इंजेक्ट भी करना है अगर हम IUI कर रहे हैं, या हमको IVF के लिए यूज़ करना है, या हमको ICSI के लिए यूज़ करना है, ये बाकी सारे खर्चे के अंदर में इसको भी शामिल करना पड़ता है, ठीक है। कुछ और जानना है मुझसे स्पर्म प्रिपरेशन के बारे में तो 8417044 से मुझसे बात। ऑल द बेस्ट।